बस भगवान, बस बस उठ बैठो, उठ बैठिए प्रभु। अरे रोइए मत, उठिए भगवान। यहां बैठे, कहां से आए हैं जी? बोलो बागेश्वर धाम की। क्या समाधान आप बालाजी के चरणों से पाना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, हैं? ठीक है, क्या है? हमने ऐसा लिखा, शरीर में दर्द कर्ज बन गया, काम धंधा में रुकावट बन गई है, घर में नकारात्मक शक्ति का बंधन किया गया है, शक्ति का प्रभाव बहुत तेज है, 3 साल से हैरान है, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, अवरोध बना हुआ है, सफल हो जाएंगे, व्यापार तेज गति पकड़ेगा, परिवार का बंधन कट जाएगा, आशीर्वाद है। नया काम बड़े वाले ने डाला क्या? उसको कह देना गुरुजी ने बुलाया है, ठीक जा। खुश रहो। इसके बाद जय श्री राम। कहाँ से हैं? मेरठ से। मेरठ पहली बार आए हैं जी? क्या नाम है? विनय। नजदीक आओ। क्या जानना चाहते हो आप? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आगे बढ़ना है मुझे जीवन में। क्या कर रहे हैं अभी? मैं पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ। पीएचडी की तैयारी जी? किस मार्ग की? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है। एक विषय और पूछिए, टोटल आपके 2 आए हुए हैं, पूछ सकते हो। मुझे करियर ग्रोथ के बारे में जानना, करियर से रिलेटेड। हमने ये लिखा, भक्त बालाजी के हैं, पूर्व से जुड़े हैं, परंतु देखने व जांचने आए थे, परिवार पर कृपा चाहते हैं, सफल हो जाना चाहते हैं, 100% सफल होंगे, जांचने नहीं, श्रद्धा पूर्वक आओ, पीएचडी में सफलता मिलेगी, आगे नाम रोशन करेंगे, विनय इनका नाम है, बालाजी के भक्त बने रहेंगे, व नौकरी आपकी 100% प्रोफेसर बनने के 100% चांस है, आशीर्वाद है। हाँ या ना? जी बिल्कुल ठीक। बराबर? बिल्कुल जी। कोई संदेह नहीं है जी। 2 बात जी, एक तो अभी विचलित तो हो, स्ट्रेस में बहुत हो जी, विफलता भी एक जगह धोखा मिल गया है, जिस कारण से इंटरनल मामला है, अंदरूनी मामला है जी, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन हम तुम्हें इसीलिए छील रहे हैं कि तुम बुद्धि लगा रहे थे। दूसरी बात,
बालाजी के हो, आराध्य भी तुम्हारे हनुमान जी हैं जी, और जीवन भर उनके ही रहे और उनके ही चरणों में जुड़े रहना चाहते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। और आप ध्यान यात्रा में जाना चाहते हैं जी, मैं कौन हूं ये जानने के लिए साधना भी पाना चाहते हैं जी, यह भी आपका लक्ष्य जी। तीसरी बात, इलू इलू चक्रों में बहुत ज्यादा घिरे जी, जिससे आपके मित्रों ने धोखा दिया जी, आपके साथ चीटिंग की जी, बदनामी करवाई, वह लफड़े में फंसे, अब निकलना चाहते हैं जी, इसीलिए बागेश्वर धाम आए जी। बिल्कुल गुरु जी, जीता राम। कहो तो और छीले गुरु जी है? आप सब जानते हैं गुरु, तभी आया हूं सर। अब बुद्धि नहीं लगाना जी, भले ही तुम पढ़े लिखे हो नहीं, नहीं, हमारे सामने बुद्धि नहीं लगाना, नहीं तो हम मूली जैसा छीलते हैं जी। जी बिल्कुल, आप आशीर्वाद बनाए रखें, खुश रहो। गुरु जी एक सिस्टर के बेटे के लिए भी मुझे जानना था, मेरी सिस्टर का बेटा। इनका भैया हमको आवाज समझ में नहीं आ रही है, मेरी सिस्टर का बेटा है उनके लिए, भांजा है क्या जी, उसको प्रॉब्लम है थोड़ा, उसको जन्मजात दिक्कत आई है जी, उसका हमने डिटेल निकाल लिया है, उसको दिक्कत ऑटिज्म आ रही है, मंद बुद्धि है, आयु से पीछे चल रहा है, गर्भ से ही समस्या है, गंदा पानी पेट का उसके माइंड में चला गया था, ये डॉक्टर ने बताया है, लेवा लाना ठीक हो जाएगा। सीताराम कहो, अब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई धरी रह गई? नहीं जी बिल्कुल, मैं आगे और पढ़ना चाहता हूँ गुरुजी, आप क्या? नहीं नहीं, पढ़ाई लिखाई अब तो नहीं चली दरबार में जी, नहीं चली ठठरी के बारे, उस वाले प्रपंच से निकलने का उपाय यही है कि मोबाइल से इग्नोर करो। खुशी रहा है, चरण स्पर्श अंगली बार कर, जय सियाराम।